मेरे भाई आप सब्र से काम ले, अल्लाह ताला करम करेगा, 13 तारीख को हेयरिंग है और इंशाल्लाह उसी हेयरिंग में इसी में फैसला हो जाना है, ठीक है? क्योंकि नैब 2 दफा रिमांड दे चुकी है, आगे कोई रिमांड नहीं होना और कोई रिकवरी नहीं हुई, ठीक है? जो जितनी भी क्लेम कंप्लेन जा रही है ना, उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि अहमद सियाल ने उनके साथ कोई फ्रॉड किया, ठीक है? फ्रॉड वो होता है जिसकी कोई रिकवरी ना हो, मतलब मेरी बात की समझ रहे हैं ना, कि जिसकी कोई कंप्लेन वाकई हो कि भाई इसने हमसे इतने पैसे लिए और ये हमें कुछ रिटर्न नहीं दिया, उसने तो स्लिपे बना के दी कि भाई मैंने फलां तारीख को आपको रिटर्न देने। अब जब वो अंदर चला गया तो कैसे रिटर्न देगा उनको? मोटरसाइकिल बुक किया आपने 21,300 दिया है, ठीक है, 10 तारीख की आपको स्लिप मिली है, 10 तारीख को आप से किसी बंदे ने 14,200 वसूल ही नहीं किया, आपको मोटरसाइकिल कैसे दे देंगे या उसका प्रॉफिट कैसे दे देंगे? वो तो अंदर पड़ा, बाहर निकलेगा तो वो आपको ओरिजिनल पैसे या प्रॉफिट या कोई बाइक वगैरह देगा, और वो इंशाल्लाह बाहर आएगा देगा। कोई फ्रॉड साबित नहीं हुआ अभी तक, ना ही कोई माइकल हाल उसके ऊपर कोई फ्रॉड साबित कर सकता है, क्योंकि उसने फ्रॉड किया ही नहीं, और जेड़ा जम्मिया नहीं उन्हें मरना किया भाई। मेरे भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ रिट करो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम सबको एक हो जाना चाहिए, ये पुरानी बातें छोड़ के अब जो नए क्या नाम है जो बंदे इस टाइम रोशनी फैला रहे हैं जो MNM में हैं, उनको उनको हम चाहिए हमारे साथ एका करें, बैठें उठें को करें यार कुछ, अवाम के बारे में इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठ सुबह तो लैके शाम तक ग्रुपां च बोलते रहो, रात तो फिर सोयो। गल है वह बोस राणा आसफ साहब घंटे के बाद आंदे ग्रुप च कहन लग जाते मैं काम कर रहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं वैसे कर रहा हूं, कोई करके दिखाए कोई आगे आके दिखाए। ओ भाई जो तू वाइस चेयरमैन का अहदा लिया वा तू ए गल कहने वास्ते लिया सी कि भाई मेरे मेरी जगह ते कोई बंदा आ जावे। गल है वा कि यार उन्हू चाहिए कि अगर उदे कोल इक ओहदा आया वा ते हुण सारयां नू एका करके रखे ते कोई इस चीज का हुण सोल्यूशन कढ लवे, ठीक है? सिर्फ गल्लां ना करिए। अस्सलाम वालेकुम चट्टा साहब, चट्टा साहब की हाल चाल है? ठीक हो चट्टा साहब? मैं पता करवाया वा नेक्स्ट पेशी दे उपर नैब वालियां नू रिमांड मिलन दा खदशा वा, शायद ना मिले, इस वजह तो इन्होंने कारवाई तेज तो तेज कर दिती वा कि असी जनाब जो हाई कोर्ट दे विच एम सियाल नू पेश करिए तो असी दसीए इन्ने जनाब दरखास्तां जिहड़ियां ने एक महीने दे विच आ चुकियां ने, असी इस केस नू जल्दी तो जल्दी फारग कर देंगे। एक महीने दे विच जनाब इस वजह तो ना चाहते ने पाकिदड़ मच जाए ते लोग साडे को टेरां दे टेर आ जान ताकि सानू रिमांड मिल जावे। उन्हां नू खदशा वा इस दफा शायद रिमांड ना मिले क्योंकि रिमांड उन्हां दा तकरीबन 24 दिनां दा हो चुका वा ते इन्हां नू कुछ भी रिकवरी हजे तक नहीं हो रही इन्हां दे कोल। इस वजह तो चाह रहे ने भी दरखास्तां दी बिना ते रिमांड ज्यादा तो ज्यादा लंबा लै लैण। यह गल बनी खड़ी है भाई जान, मैनू अदारे दे विचों गल पता चली नैब दे अदारे दे विचों। अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई जान, खबर है के सियालकोट एयरपोर्ट तो चढ़दा फड़िया गया है राणा सरवर, ए एक घंटा पहले जनाब FIL ने फड़ लिया है। बहुत वड्डी खुशखबरी है जनाब पूरे ग्रुप वास्ते, ते डोल मारो 4-5 दफा। जी मेरे भाइयों, सबके लिए अच्छी खबर ये है कि जो नैब है उन्होंने जो हम जितने भी थाना जाते हैं उधर मरासले भिजवा दिए गए हैं, तमाम हर चीज मुकम्मल MNM के बारे में उनको भिजवा दिए गए हैं, जो लिस्टें हैं वो भी इन करीब उनको ये 13 तारीख के बाद भिजवा दी जाएंगी। तो जितने ये स्टॉकिस्ट और जितने भी ये बंदे हैं तमाम इंशाल्लाह ताला अब बच नहीं सकते, जो माल ले गए हैं लोगों का इकट्ठा करके, तमाम भाई इंजॉय करेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये लोग जो अब साइड पे होकर बैठे हैं स्टॉकिस्ट वगैरह, तो ये कैसे अब सामने आते हैं।